आज की हमारी कहानी टैक्सी ड्राइवर मुकेश की है। दरअसल मैं मुकेश जो था वो उसने अभी अभी एक सेकंड हैंड नई टैक्सी ली थी। तो जब वो अपनी टैक्सी को एक रोज़ स्टेशन के बाहर खड़ा करके बैठा हुआ था, तभी जो है स्टेशन से एक औरत एक लड़की के साथ बाहर आती है। तो उन्हें देखने के बाद जो है मुकेश ने उस औरत से कहा, आइए आइए मैडम, बोलिए कहाँ चलेंगी। इस पर उस औरत ने कहा, क्या तुम मुझे माधवपुर गांव लेकर चल सकते हो। तो मुकेश जो था वो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जहाँ आप बोलेंगी वहाँ लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर जो मुकेश था वो मन ही मन एक पल के लिए सोचने लगा कि ये जो माधवपुर गाँव है यहाँ तो कोई भी नहीं रहता है, फिर ये औरत वहाँ क्यों जाना चाहती है। मुकेश ने उस औरत से कहा, वैसे माधवपुर गांव तो एकदम खाली है, वहाँ कोई भी नहीं रहता, आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं। इस पर उस औरत ने कहा, लेके चलना है तो चलो, वरना मैं दूसरी टैक्सी में चली जाऊँगी। इस पर मुकेश ने कहा, अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी, आप मेरे ही साथ चलिए। तो यहाँ पर मुकेश जो था वो उस औरत से कहता है, ठीक है आप बैठ जाइए, मैं लेके चलता हूँ। तो वो जो औरत थी उस बच्ची को लेकर मुकेश की टैक्सी में बैठ जाती है। अब मुकेश जो था अपनी टैक्सी को स्टार्ट करता है और माधवपुर गांव के लिए निकल पड़ता है स्टेशन से। तो मुकेश ने आईने में देखा कि वो जो औरत है और वो बच्ची एकदम ऐसे बैठे हैं जैसे कोई पुतला बैठा हो। अजीब था उसके लिए ये, क्योंकि आज से पहले मुकेश कभी ऐसे किसी सवारी से नहीं मिला था जो इतना अजीब बर्ताव कर रही हो। यहाँ पर मुकेश जो था जब एक टक आईने से उस औरत को देखे जा रहा था, तो तभी जो है वो औरत बोलती है, क्या देख रहे हो, आगे देखकर टैक्सी चलाओ। तो इस पर मुकेश ने कहा, अरे कुछ नहीं, वो तो मैं बस। इसी बीच जो था अचानक से ही मुकेश के कानों में एक आवाज़ गूंजने लगी। उस आवाज़ को सुनने के बाद जो है मुकेश ने बीच रास्ते पर अचानक से ही अपनी टैक्सी को रोक दिया। उस औरत ने जब ये देखा कि भाई मुकेश ने जो है टैक्सी को बीच रास्ते में ही रोक दिया है, तो वो भड़कते हुए बोली, यहाँ टैक्सी क्यों रोकी है। तो इस पर मुकेश ने कहा, मैंने कुछ सुना, क्या आपने भी वही सुना। तो उस औरत ने कहा, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, माधवपुर गांव लेके चलो। तो इस पर मुकेश जो था वो मन ही मन सोचने लगा, कैसी अजीब औरत है, हर बात पर डांट रही है। इसके बाद जो था मुकेश जो था अपनी टैक्सी को वापस से स्टार्ट करके निकल पड़ता है। जो उसे आवाज़ें सुनाई दी थी उसको वो इग्नोर मारता है। और फिर जैसे ही वो माधवपुर गांव पहुंचता है, माधवपुर गांव जैसे देखता है मुकेश, तो वो उस औरत से कहता है, अरे मैडम गांव आ गया है। तो जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है कि भैया यहाँ तो ना तो वो बच्ची है ना ही वो औरत। तो जैसे ही वो अपनी खिड़की से झांक कर देखता है टैक्सी की, तो देखता है कि वो जो औरत है उस बच्ची को लेकर उस गांव में अंदर जा रही है। तो मुकेश परेशान हो जाता है, अरे भाई इसने तो पैसा भी नहीं दिया है, कहाँ जा रही है। तो इतना सोचने के बाद जो है मुकेश अपनी टैक्सी से उतरता है और उस औरत के पीछे गाँव में चला जाता है। यहाँ पर जो था मुकेश चलते 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 उस औरत के पीछे चले जा रहा था। फिर एक पॉइंट पर आकर जो है अचानक से ही मुकेश एकदम गुम गया उस गांव के अंदर। ना तो अब उसे वो औरत नज़र आ रही थी ना ही वो बच्ची। तो यहाँ वहाँ वो देखने लगा और परेशान होकर बोलता है, किस मुसीबत में फंस गया, पता नहीं वो औरत अचानक से ही मेरी नज़रों के आगे से कहाँ गायब हो गई, मिलेगी तो बताऊँगा। फिर जो था यहाँ वहाँ देखते हुए जैसे ही मुकेश उस गांव में घूम रहा था, तो तभी जो है एक पेड़ के नीचे उसने कुछ आदमियों को देखा जो कि शायद पत्ते वगैरह खेल रहे थे। अब ये देखने के बाद यहाँ पर मुकेश का जो था दिमाग वो घूम गया, भैया इतनी रात में कौन है जो पत्ते खेल रहे हैं, चलो चलकर इन्हीं से पूछता हूँ कहाँ गई वो औरत। तो इतना कहते हुए जो है मुकेश उन आदमियों के पास पहुंचा और उनसे पूछने लगा कि भाई आपने एक ऐसे ऐसे दिखने वाली औरत को देखा जिसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं,
और उसके साथ एक बच्ची भी थी, कुछ 6 साल की बच्ची रही होगी। तो वो जो आदमी लोग पत्ते खेल रहे थे, जो कि दिखने में गांव वाले ही लग रहे थे, उनमें से कोई भी जो था वो मुकेश की ओर देख ही नहीं रहा था। तो जवाब तो देना दूर की बात थी। यहाँ पर मुकेश जो था वो परेशान होने लगा कि बड़े अजीब से लोग हैं, कैसे लोग हैं ये, मतलब जवाब ही नहीं दे रहे हैं, मैं इतना बोले जा रहा हूँ। इसके बाद जो था मुकेश ने कई बार उन लोगों से पूछा, लेकिन वो लोग जो थे वो बस अपना पत्ते खेलने में मशरूफ़ थे, बाकी उन्हें दुनिया से कोई लेना देना था ही नहीं। जैसे तभी जो है मुकेश देखता है कि सामने की ओर से एक आदमी जा रहा था, और वो आदमी अचानक से मुड़कर मुकेश की ओर देखकर मुस्कुराया। तो मुकेश हैरान, ये कौन है भाई जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर इसके बाद जो था वो आदमी मुकेश को अपने पीछे आने का इशारा करता है। तो मुकेश जो था बिना सोचे समझे उस आदमी के पीछे चल दिया। अब चलते 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 काफ़ी दूर निकलने के बाद गांव में कहीं अंदर भूल भुलैया इधर से उधर रास्ते में घुमाते हुए आदमी एक जगह ले जाकर जो है रुक गया। मुकेश उसके पास पहुंचा और बोला, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तुम कहाँ भटकाते घूम रहे हो मुझे। तुम्हें उस औरत के बारे में और उस बच्ची के बारे में कुछ पता भी है, कहाँ है वो और मुझे अपने पीछे पीछे लेकर घूम रहे हो इतनी रात गए। तो इस पर वो आदमी अचानक से ही जो है मुकेश के पास आया और उसके कॉलर पकड़कर बोला अपनी आंखें बड़ी करते हुए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस गांव में आकर, अब तुम्हारा मरना तय है। तो यहाँ पर मुकेश जो था वो धक्का मार के उस आदमी को एकदम से गिरा देता है। तो और बोलता है गुस्से में आकर कि क्या है तुम्हारा, एक तो ज़बरदस्ती मुझे अपने पीछे घुमा रहे हो और उस पर अब ये बकवास बोल रहे हो, दिमाग ख़राब है क्या, एक तो उस औरत ने मेरे किराया नहीं दिया। इसके बाद जो था वो आदमी खड़ा हुआ और हंसते हुए अचानक से ही वहाँ पर हवा हो गया। ये देखकर यहाँ पर जो मुकेश था वो तो भाई हैरान परेशान हो गया कि अचानक से ही वो आदमी कहाँ चला गया। तो मुकेश ये सोचने में लग गया कि अब कैसे इस गांव से निकला जाए, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है। मुकेश जो था इतना सोच ही रहा था कि तभी एक बार फिर उसने उस औरत को देखा। इस बार जो था वो बिल्कुल अकेली थी। तो मुकेश बिना सोचे समझे उस औरत के पीछे निकल पड़ा। अब चलते चलते अचानक से ही जो है किसी ने पीछे से मुकेश के सिर पर वार किया और मुकेश जो था वहीं बेहोश होकर गिर गया। अब जब मुकेश को होश आया तो उसने देखा कि वो जो है माधवपुर गांव के शमशान में पड़ा हुआ था। तभी जो है मुकेश देखता है कि वो जो औरत थी उस बच्ची के साथ उसी शमशान की ओर आ रही थी, जिसके चलते जो है मुकेश एक पेड़ के पीछे छुप गया। तो जब वो पेड़ के पीछे छुपा तो उसने देखा कि वो जो औरत थी वहाँ पर कुछ हवन वगैरह करना शुरू कर देती है, और मुकेश ये सब देख ही रहा था। तो तभी जो है अचानक से ही उससे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है। मुकेश जैसे ही मुड़ता है तो उसने देखा कि ये तो वही आदमी है जिसने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया था। उस आदमी को देखकर मुकेश जो था इस पर डर गया, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था जैसे जला हुआ हो। तो वो जो आदमी था मुकेश का हाथ पकड़ लेता है और उसे चुप रहने का इशारा करते हुए अपने साथ लेकर वहाँ से कुछ दूर एक घर में लेकर पहुँचता है। तो देखता है कि वहाँ पर कोई साधु बाबा बैठे हुए थे और वो जो आदमी था वहाँ ले जाकर अचानक से ही गायब हो गया। तो वो साधु बाबा जो थे किसी तपस्या में लीन थे, और जैसे ही मुकेश उस घर के अंदर गया उसके कदमों की आहट सुनकर वो साधु बाबा अपनी आंखें खोल देते हैं। मुकेश जो था उन साधु बाबा से पूछता है, ये सब यहाँ क्या चल रहा है, आखिर वो औरत कौन है, और जो मुझे यहाँ तक लाया वो अजीबोगरीब डरावना आदमी कौन था। तो इस पर उन बाबा ने कहा, तुम्हारा नाम मुकेश है ना। तो मुकेश हैरान था कि मैं तो इन बाबा से पहली बार मिला हूँ, फिर इन्हें मेरे नाम के बारे में कैसे मालूम।
तो वो बाबा से कहता है, बाबा आपको मेरे नाम के बारे में कैसे पता? तो वो बाबा कहते हैं कि मुझे सब मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि अगर तुमने उस डायन को नहीं मारा तो वो डायन तुम्हें मार देगी। तो यहाँ पर मुकेश जो था वो थोड़ा घबरा गया ये सुनकर कि वो औरत जो है जो उसे उस गांव तक लेके आई असल में वो एक डायन है। तो वो बाबा से कहता है, बाबा कुछ भी करके मुझे उस डायन से बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार देगी। तो बाबा कहते हैं, चिंता मत करो, अगर वो तुम्हारी मौत है तो तुम भी उसकी मौत बन सकते हो। यहाँ पर जो मुकेश था वो हैरान हुआ और पूछने लगा कि वो कैसे? तो यहाँ पर बाबा जो थे वो बताते हैं कि अगर उस डायन के बाल काट कर उसके सामने जल रहे हवन कुंड में अगर वो डाल देता है तो वो डायन जो है हमेशा हमेशा के लिए वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो मुकेश जो था वो पूछता है, लेकिन बाबा आखिर उस डायन की कहानी क्या है? तो इस पर वो बाबा बोलते हैं कि ये जो माधोपुर गांव था आज से कुछ सालों पहले एकदम खुशहाल हुआ करता था, और वो जो डायन है वो इसी गांव में रहा करती थी। तब वो एक आम इंसान हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी तो वो बूढ़ी होने लगी, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इसके बाद जो था वो काली तंत्र साधना में पड़ गई, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके गांव के एक एक इंसान को मौत के घाट उतारने लगी ताकि वो सदा के लिए जवान रह सके। इसके बाद जो था जब धीरे धीरे करके गांव का हर एक इंसान मौत के घाट उतर गया तो अब उसे खुद को जवान रखने के लिए इंसान मिलने बंद हो चुके थे। अब इसके चलते वो जो डायन थी परेशान हो गई, और फिर जो था उसने सोचा कि क्यों नहीं पास के रेलवे स्टेशन से वो लोगों को यहाँ लाएगी और फिर उन्हें मार देगी, इससे वो वापस से जवान हो जाएगी। मुकेश बाबा की कहानी सुनने के बाद जो है काफ़ी घबरा गया था, तो बाबा उसे समझाते हुए कहते हैं कि डरो नहीं, तुम आज यहाँ पर भगवान की मर्ज़ी से आए हो ताकि उस डायन का खेल जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम उस डायन को मार सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, और जो अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगी, क्योंकि डायन अपने किसी भी शिकार को कभी ज़िंदा नहीं छोड़ती है। यहाँ पर मुकेश जो था वो डर तो गया था काफ़ी, लेकिन वो फिर भी बाबा की बात को मानते हुए कहता है, ठीक है बाबा, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, मैं उस डायन को ज़रूर मारूँगा। फिर जो है इसके बाद जो था बाबा मुकेश को एक चाकू देते हैं जिससे कि वो उस डायन के बाल को काटकर हवन में डाल सकता था। और फिर जो मुकेश था वो फिर से उस शमशान घाट में पहुंचता है। मुकेश ने देखा कि वो जो डायन है अभी भी वहीं तंत्र साधना कर रही थी, और उसके पास वो बच्ची अभी भी बैठी थी। वो डायन जो है उस बच्ची के माथे पर काला तिलक लगाती है और उसके सामने कुछ मंत्र उच्चारण करने लगती है। उन मंत्रों का ऐसा प्रभाव था कि मुकेश के जो कान थे उनसे काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था, बहुत ही भयानक तरीके के मंत्र थे। तभी जो था वो डायन अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है, जिसके बाद मुकेश आहिस्ता से उसके पास पहुंचता है, और जो कि बाबा ने उसे चाकू दिया था उससे बड़े ही आराम से डायन के बाल काटता है। और फिर जैसे ही वो बाल काट कर हटा तो उसने देखा कि डायन जो है अचानक से ही अपनी आंखें खोल लेती है, जिससे वो काफ़ी डर गया था। और डायन बोली, अगर तूने मेरे बालों को हवन कुंड में डाला तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो मुकेश जो था वो कहता है, तू तो मुझे वैसे भी नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन आज तेरा खेल ख़त्म करके रहूँगा। तो इस पर वो डायन जैसे ही मुकेश की ओर बढ़ती है, मुकेश जो था उसके बाल उस हवन कुंड में डाल देता है। अब हवन कुंड में जैसे ही उस डायन के बाल गिरे वैसे ही वो डायन भी अपने बालों की तरह जलना शुरू हो जाती है, और तब तक वो बच्ची जो थी वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। कुछ ही मिनटों में वो डायन जलकर भस्म हो चुकी थी, और उसकी जीवन लीला अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी, और उसका डर का साया भी अब दुनिया से उठ चुका था। वहीं मुकेश जो था
उस बच्ची को लेकर अपने गांव पहुंचता है और अपने गांव वालों को सब कुछ बताता है, तो उसके गांव वाले उसकी बहादुरी पर बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। इसी के साथ जो था मुकेश उस बच्ची के माता पिता के बारे में पता करता है, और जब उसे पता चलता है तो वो उनको ले जाकर सौंप देता है। और इस तरह जो था मुकेश की जान उस डायन से बच गई। फिर इसके बाद जो था मुकेश टैक्सी तो चलाता था, लेकिन फिर कभी उस गांव की ओर नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में अभी भी उस डायन को लेकर डर बैठा हुआ था, जिसके चलते वो फिर कभी माधवपुर गांव की ओर किसी भी सवारी को लेकर नहीं गया।